मित्रों नमस्कार, संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं केदारनाथ तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे थे, इसके पहले देखे जो 9/9/2020 का प्रीवियस ईयर हुआ था बीपीएससी स्टेट का, इसके आगे एक और हुआ था 11/9/2023 बीपीएससी स्टेट कक्षा 9 से 10। तो उसी प्रीवियस ईयर को देखेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा चर्चा भी करते चलेंगे चारों ऑप्शन का। तो परीक्षा से पहले एक बार आप अगर देख करके जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर तो एक आइडिया लग जाता है कि क्या क्या कैसे आया है, कैसे पूछा है। बाकी तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ ही चुके होंगे पूरा पूरा, बस प्रीवियस ईयर एक बार देख लीजिए कि उसकी प्रकृति कैसे है, कैसे आया हुआ है। हालाँकि इसमें 5 ऑप्शन नहीं है, शायद इस बार से हुआ होगा 5 ऑप्शन वाला। क्यों मंकित भैया? अच्छा, इसमें स्टेट वाले में नहीं देता 5 ऑप्शन, मेंस में देता है ना, यानी लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो इसमें 4 ही ऑप्शन है, ये जो हुआ है 11/9/2023 का प्रीवियस ईयर का है, कक्षा 9 से 10 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा है, 1-2 क्वेश्चन भले डिफिकल्ट है। इसमें देखिएगा, यहाँ पूछा है ना कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, सिंपल सा है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि हो जाएंगे। और इनकी कौन सी रचना है? लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी। ये किसके शिष्य हैं? भट्टोज दीक्षित के। और भट्टोज दीक्षित के गुरु कौन है? शेष कृष्ण। ठीक है, फिर ये इनकी कौन सी रचना है? महाभाष्य। और भी है महानंद काव्य, एक और रचना है इनकी। कात्यायन का क्या है? ये पहले तो ये क्या है? वार्तिककार हैं, वार्तिककार हैं। ये कौन है? भाष्यकार है ना। और ये सूत्रकार कौन हो जाएंगे? पाणिनि जी। उसके बाद वृत्तिकार किसको कहा गया है? सिद्धांत कौमुदी वाले रचनाकार कौन है? भट्टोज दीक्षित क्या है? वृत्तिकार। तो इसका कौन सा सही हो गया? पाणिनि जी। हैंग कर रहा सिस्टम भैया। भैया सिस्टम थोड़ा सा हैंग के कर रहा लग रहा है। यहाँ तो पढ़ा थे ना? यही अभी पहला ही पढ़ा है, दूसरा है। देखिए अगला है, हलंत्यम सूत्र से किसकी इत्संज्ञा होती है? तो इत्संज्ञक सूत्र कितने हैं? 6 बताए थे ना, याद है? कौन कौन सा है? हलंत्यम है, चूटू है, आदिरी टुडवा है, सह प्रत्यय है, लसक तदित्य है, उपदेश जन्नासिक हित है, और छूट तो नहीं रहा है कोई। 6 हो गया, गिन लीजिए, गिन लीजिए पंडित जी। चूटू, हाँ, सह प्रत्यय और हलंत्यम, यहाँ दिया है ना, हलंत्यम सूत्र से किसकी संज्ञा होती है? तो कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ना। और उपदेश नासिक इत से किसकी संज्ञा होती है? स्वरों की, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो। पंडित जी उपदेश नासिक इत जो है वो स्वरों की संज्ञा करता है, चाहे वो पहले हो आदि में या बाद में हो। अगला है कि लोभ संज्ञा का विधायक सूत्र है, लोभ संज्ञा का विधायक सूत्र है, कौन सा हो जाएगा? संज्ञा पूछ रहा है ना, और ये कौन सा है? विधि है। लोभ संज्ञा का कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। और ये वाला संज्ञा सूत्र है, ये तो एक लोपा साकल्य ऋषि हैं, उनके मत में आया हुआ है।
अगला है, क से माँ तक के वर्णों की संज्ञा है, क्या है? क से माँ तक के वर्णों की संज्ञा क्या है? कादियो मावसाना स्पर्शा, कितने वर्ण आते हैं? 25, यानी पांचों वर्ग। कू चू टू तू पू, उसी को और किस नाम से जानते हैं? उदित। अंतस्थ कितने हैं? चार, यवरा और ला। महाप्राण कितने हैं? 14। कितने हैं पंडित जी? अल्पप्राण कितने हैं? 19। उस मोड कितने हैं? चार, स, और हा। तो उस मोड कितने हो गए? चार। अंतस्थ चार, महाप्राण 14, अल्पप्राण 19। महाप्राण में कौन कौन सा आता है? वर्ग का दूसरा और चौथा और सल प्रत्याहार। और अल्पप्राण में ये आ जाता है अंतस्थ यावर आला, और वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा। आगे पूछा है कि मुख नासिका वचनों डाट 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 रिक्त स्थान के लिए उचित पद किए, तो कौन सा हो जाएगा? मुख नासिका वचनों अनुनासिका, बी वाला सही हो जाएगा ना? प्रयत्न नहीं, इसको पूछता है यत्न। यत्न कितने? प्रयत्न तो है ही है। हाँ, यत्नो दुधा, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर कितने का है? मतलब जैसे वो यहाँ प्रयत्न दिया है प्राय उपसर्ग लगा करके, मान लीजिए वहाँ यत्नो दुधा देगा तब क्या होगा? ये होगा कि प्रयत्न नहीं है तब भी है। हाँ, एक ही नाम है। तो अगला कौन सा है कि तुल्यास प्रयत्नम, कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। उच्चारण स्थान कितने हैं? यहाँ दिया है ना, अल्पप्राण कितने हैं? 19। अल्पप्राण और एक वर्ग का 1, 3 और 5 और, ये स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25। ये हो गया आपका छठवें तक ना। सातवें पे देखिए, सातवें पे वर्णों की अतिशय समीपता को क्या कहते हैं? तो यही शुरुआत होती है संधि की। संधि की कहाँ शुरुआत होती है? यहीं से, पर सन्निकर्ष। कौन सा सूत्र है? पर सन्निकर्ष संहिता, कौन सा सही हो जाएगा? अगर पंडित जी यहीं पे सहायता देता और इसके आगे भरने के लिए बोलता तब आदिरंतेन सहेता, वो प्रत्याहार सूत्र निर्माण करता है और ये संधि का है। पर सन्निकर्ष संहिता, आलोनंतरात संयोग और समसनम समास है। अनेक पदी नाम, हाँ अनेक पदा नाम एक पदी करणम किम समास। और सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? रीली वर्णयो मिथ सावर्णे मोच्यम। तुल्यास पर्णम सवर्णम वहाँ हो गया ना सवर्ण संज्ञा, इसके पहले भी, लेकिन वो जो वार्तिक दिया है किसने? कात्यायन जी ने। आगे पूछा है कि चतुर्विंशत शास्त्री संहिता किसे कहते हैं? तो 24,000 श्लोकों वाला कौन सा हो जाएगा? रामायण। महाभारत कितने श्लोकों वाला है? 1,00,000। सत्शास्त्री या सत्साहस्री है संहिता। तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? 1,00,000 को लक्षम। 1,00,000 को क्या कहते हैं? हाँ वही हम पूछ रहे हैं। कोटि को क्या? जो कोटि शब्द है, करोड़, तो स्त्रीलिंग में है। बाकी सहस्रम
लक्षम, अर्बुदम, खरबम, ये सब किसमें है? नपुंसक लिंग में। कोटि शब्द को छोड़ करके बाकी सब है ना। तो ये जो लक्षम आ जाएगा, हजार हो जाएगा, करोड़, अरब, खरब, पद्म, नील, ये सब किस में हो जाएंगे? नपुंसक लिंग में हो जाएंगे। पुराण कितने हैं? उपपुराण, आदि पुराण कौन सा है? अरे महाराज, ब्रह्म पुराण। आप नीचे सिर किए हुए हैं तो हम पूछ रहे हैं, कुछ और ध्यान कहीं और है आपका। हम क्या पूछें, आदि पुराण कौन सा है? महाभारत। पंडित जी, ब्रह्म पुराण आदि पुराण है। देखिए आपके अगल बगल वाले सब चैतन्य हैं, आप ही खोए हुए हैं पता नहीं कहाँ। नहीं, अब फिर आप नहीं पूछेंगे, हो गया भैया। आदि काव्य किसे कहा जाता है, कौन सा हो जाएगा? और इसको और किस नाम से जानते हैं? आर्ष काव्य है ना। रघुवंश किसकी रचना है? कुमार संभव। कितने सर्ग हैं इसमें? रघुवंश में 19, कुमार संभव में 17। और महाभारत रचना किसकी है? अगला देखिए, अगला पूछा है कि रामायण में कितने कांड हैं? तो ये 2023 का पेपर है, 11/9/2023, बीपीएससी स्टेट। तो कितने हो जाएंगे इसमें? 7 कांड। सबसे बड़ा वाला कौन सा है? युद्ध कांड। अगला है, 11वां है कि रामायण में सबसे अधिक प्रयुक्त छंद है। तो रामायण की शुरुआत ही अनुष्टुप छंद से हुई थी। कौन सा श्लोक था? शोका श्लोकत्वम आगत आगत करके है ना। तो माँ निषाद क्या है? कौन सा छंद हो जाएगा पंडित जी? अनुष्टुप। और इसका ज्यादा प्रयोग कहाँ किए हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम में आर्य छंद का सबसे ज्यादा प्रयोग किए हैं। ठीक है, वंशस्थ का जो किरात में है, प्रथम सर्ग में 1 से 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद है। 45 है पुष्पिताग्रा और 46 है मालिनी। ठीक है पंडित जी, आगे देखिएगा कि दिया है रामायण में कितने श्लोक हैं। एक जगह पूछा था चतुर्विंशत शास्त्री संहिता, वहाँ तो ऐसे संस्कृत में दिया था, वही 24,000, और यहाँ हिंदी में फिर पूछ लिया। कितने हैं? 24,000 श्लोक। भैया कितनी कितनी बार यही प्रश्न देखिए ना, है ना। रामायण के रचयिता कौन हैं? वाल्मीकि। वाल्मीकि को और किस नाम से जानते हैं? आदि कवि या आर्ष कवि। आदि कवि और रामायण को भी आदि काव्य और आर्ष काव्य ऐसा बोलते हैं। भास के कितनी नाटक हैं टोटल? 13। अशुघोष की कौन सी रचना है? बुद्ध चरितम 28 सर्ग, सौंदर्यानंद 18 सर्ग और सारिपुत्र प्रकरणम। और कालिदास के कितने नाटक हैं? हम कहे बताइए, ध्यान में रहिएगा पंडित जी।
यहाँ देखिए अगला है, रामायण के किस कांड में अन्य कांडों की अपेक्षा अधिक काव्यात्मक वर्णन है? किसमें? सुंदरकांड में ना। सुंदर एक नाम भी उनका बताया जाता है कि एक उनका सुंदरकांड होने की वजह से हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी है। तो कितने सर्ग हैं इसमें? 68 है ना। बाकी अयोध्या में, किष्किंधा में, इसमें कौन सा मैटर है? सुग्रीव राम की मैत्री है और बाली की वध है। और अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में, शबरी वृत्तांत कहाँ है? हाँ, जटायु वध है। आगे देखिए, बृहत्त्रयी में किस महाकाव्य की गणना नहीं होती है? किसमें? बृहत्त्रयी में। अभी यहाँ पूछेंगे तब नहीं बताते हैं, और आपस में जब चर्चा करते तो आपको आने लगता है। पंडित जी, बृहत्त्रयी में किस महाकाव्य की गणना नहीं होती है? कौन सा है ये? किसमें है? लघुत्रयी में। और कौन कौन से इसमें? मेघदूत और कुमार संभव। बाकी तीनों के इसमें, इसमें और शिशुपाल में, यानी किरात, नैषधीय और शिशुपाल में, इसका जो मंगलाचरण है वो किस छंद में है? वंशास्थ छंद में। और उसका मंगलाचरण है किसमें? वस्तु निर्देशात्मक। तो दो, हाँ, तीनों में दोनों चीज कामन है। मंगलाचरण वंशास्थ छंद में, और मंगलाचरण किस में है? तो वस्तु निर्देशात्मक। अगला है, मेघदूत में किस छंद का प्रयोग है? किसका है? मंदाक्रांता का। किरातार्जुनीयम किस कवि की कृति है? इसकी है भारवि की। इनका नैषधीय चरितम् श्रीहर्ष का। कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? लगभग सात। और भी हैं लेकिन जो मिलता है जुलता है वही सात है। माँ का, माँ के कितनी रचनाएं हैं? हाँ, कितनी रचनाएं हैं? हाँ, एक ही है, वो भी महाकाव्य शिशुपाल वदम। आज पढ़ लिए हैं। अगला दिया है, अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध कवि हैं। बाकी 12वीं, अर्थगौरव माघ, तीनों माघे संति त्रयोगुणा। तो इनके में कौन कौन सा आ जाएगा? पदलालित, अर्थगौरव और उपमा, तीनों आ जाएगा। उपमा किसकी है? तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला। आगे देखिए, आगे दिया, अर्थ गौरव के लिए किस कवि की प्रसिद्धि है? एक बार उपमा पूछ लिया कालिदास जी की, फिर अब अर्थ गौरव, तो किसका हो जाएगा? भारवि है ना। भट्टी की कौन सी रचना है? कौन सा? रावण बधम के भी नाम से जानते हैं उसी को। अगला पूछा था कि शिशुपाल वध किस कवि की कृति है, तो किसकी है? कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। सर्ग कितने हैं? 20। पहला कौन सा है सर्ग? श्री कृष्ण नारद संवाद है ना। अगला क्या पूछा था, 21 नंबर पर, कि यक्ष किसका अनुचर था है ना।
मान लीजिए यक्ष वाला पूछ लिया है, मेघ का पूछ लेगा, तो मेघ किसका अनुचर है? ठीक है, बाकी इसका कौन सा वंश है? इसका उत्तर यही सही हो जाएगा ना, कुबेर का। श्राप किसने दिया था? कुबेर ने। और पुष्कर और आवर्तक किसका वंश है? मेघ का। और मेघ किसका अंचर है? इंद्र का। किस अगला दिया है कि विरही यक्ष किस पर्वत के आश्रम में दिन बिता रहा था? तो श्लोक से ही पूछ लिया है, मतलब एकदम ऊपर ऊपर नॉर्मली पूछा है। तो कहाँ पे? रामगिरी आश्रमेशु आया है ना श्लोक में, तो कौन सा है? अगला देखिएगा, अगला दिया मेघदूत के प्रथम पद्य कश्चित कांता विरह गुरुड़ा में किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो वस्तु निर्देशात्मक। अगला पूछा था यहीं से, देखिए मेघदूत से एक ही क्वेश्चन आया हुआ, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा हो जाएगा? अर्थांतरण न्यास। इसमें से दो चार सूक्ति जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेघदूत का, वो नहीं, वो हो गया ना, छूटा नहीं है, हो गया ना, यहाँ वस्तु तो निर्देशात्मक था। तो अगला इसमें कौन सा हो जाएगा? अर्थांतरण न्यास। इसके बाद देखिए क्या पूछा है, ये भी वहीं से है, धूमज ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघा, तो यह किसका विशेषण है? मेघ का। इसमें कितने पदार्थ हैं? चार। धुआं, ज्योति, सलिल जल, मरुत और मतलब वायु, जल और वायु, ठीक है ना? धूम, ज्योति, सलिल, मरुत से कौन बना हुआ है? मेघ। आगे पूछा है कि यक्ष मेघ से कहाँ जाने की प्रार्थना करता है? देखिए कितना सिंपल सा है ना, पूरे मेघदूत में वक्ता कौन है? यक्ष। श्रोता कौन है? मेघ। तो मेघ कहीं तो बोला नहीं है, बोला ही टोटल कितने? यक्ष ने। किस छंद में? मंदाक्रांता छंद में। कहाँ भेज रहा था? अलकापुरी। आगे पूछा है निम्नलिखित में से कारक का अर्थ क्या नहीं है? पंडित जी, कारक का अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है? क्रिया निमित्त है, क्रिया उपकारक भी है और क्रिया से अन्वित भी है, परिभाषा में ही है ना, कौन सा? कर्ता से संबंधित नहीं है, बाकी ये परिभाषा का ही है। अगला देखिए पूछा है कि प्रातपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है? हाँ, जब यहाँ प्रातपदिकार्थ में प्रथमा हो गया तो फिर यहीं लिख लीजिएगा कि संबोधन छ में भी हो सकता है यहीं पूछ ले, है ना? पिछली बार पूछ लिया कि प्रातपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो प्रथमा, और संबोधन छ से प्रथमा, यानी दो सूत्र से प्रथमा होती है। बाकी ये द्वितीया किस में होती है? कर्म कारक में। तृतीया करण और चतुर्थी संप्रदान।
29 नंबर पे देखिए क्या पूछा है। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? देखिए वही चर्चा हो रहा था, नीचे आ ही गया है क्वेश्चन। कौन सा होती है? चतुर्थी पंचमी किस में होती है? अपादान में। मतलब वैसे ऊपर ही पूछा कि आपको आता है कि नहीं, सरल सरल पूछा है कि संप्रदान कारक में, अपादान कारक में, अधिकरण में, और कौन सा कारक नहीं है जिसमें षष्ठी होती है। पंडित जी कौन सा कारक नहीं है फिर भी षष्ठी होती है? संबंध है ना। सप्तमी किसमें होती है? अधिकरण में। और पंचमी अपादान में। इसका कौन सा सही हो जाएगा? चतुर्थी। षष्ठी क्या है? षष्ठी से इसे संबंध है, कारक में नहीं गिना गया है। तो कारक कितने हैं संस्कृत में? छः। अगला देखिए, अधिकरण कारक का चिन्ह है। देखिए वहाँ चर्चा हो रही है, यहाँ आगे पूछिया लिया है। तो कौन सा है? एक ट्रिक है, देख लीजिएगा पंडित जी। कर्ता ने को कर्म है, कर्ता ने को कर्म है, और करण से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान। आगे क्या है पंडित जी? हाँ, मे पैपर अधिकरण है, हे भोवरे संबोधन, याद रहे व्याकरण। तो यही ट्रिक है छोटा सा। कर्ता ने को कर्म है और करण से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान, मतलब अलगाव। अपादान से क्या होता है? अलगाव होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मैं पर। कौन सा हो जाएगा? मैं को किसका है? के द्वारा तृतीय या करण, के द्वारा या से भी आता है इसी में। से तो अपादान में भी आता है अलगाव के अर्थ में, से या द्वारा यहाँ आता है ना। और काके की षष्ठी संबंध या षष्ठी, इसका कौन सा सही हो जाएगा? मे पर ना। आगे है कि सूत्र से सह के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो फल की प्राप्ति जहाँ होती है पंडित जी? सहयुक्ते। एक जहाँ फल की प्राप्ति होती है उसमें कौन सा लगता है? अपवर्गीय तृतीया, समझ रहे हैं ना। और हेतु भी कहाँ पड़ा गया है? तृतीया में ही, करण कारक में। और ये क्या करता है? तृतीया विभक्ति करता है। कर्त करणियोस तृतीया। करण संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? साधक तमम करणम। और साधक तम करणम ये वाला, इसका कौन सा सही हो जाएगा प्रधान में? कौन सा उदाहरण है? पुत्रेण सह पिता आगत। कौन सा उदाहरण है? पुत्रेण सह पिता आगत। मान लीजिए इस बार उदाहरण दे दे और पूछ ले किस सूत्र से हुआ है, तो सयुक्त अप्रधान है ना। मासेन भगवत गीता आदिते किससे हो जाएगा? अपवर्गीय तृतीया, मतलब महीने भर में उसने भगवत गीता पढ़ लिया। और साधकतम है कि साधक तमम है? साधक तमम किम कर्म। अरे भैया बोर्ड पे लिखा है उसके बाद भी साधक तमम कर्मम, कौन लगा दिए? पंडित जी। यहाँ है ना, नहीं तो कर्मम आपको याद जब नहीं है तो आप कर्म में लगा दिए। याद जब जिसके रहता है जुबान पे तो सीधा वही उत्तर निकलता है, साधक तमम करणम, कर्तुरीषि तमम कर्म, कर्सुषि तमम कर्म है। इनको बताया रहे हैं पंडित जी को कि मान लीजिए वहाँ दे देता कि कर्तुरीषि तमम
तो देख तब तक क्या करते, करडम लगा देते। लेकिन इसका क्या है, कर्तुरेषित तमम कर्म और साधक तमम करणम, ध्रुवम पाए अपादानम। और इसका क्या है, दो तीन सूत्र है, कर्मणा एम प्रति सयापि संप्रदानम। और कौन सा है पंडित जी संप्रदान के, वो तो सूत्र है। अगला देखिएगा, अगला पूछा है, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। इस उदाहरण में ग्रामम गच्छति तृणम स्पृशति, इस उदाहरण में क्या पूछा है, तृण में किस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है ना। बीपीएससी किस में, टीआरई टू में था, टीआरई टू में मेंस में है ना। इसमें पूछा है त्रिडम में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है। आपको ध्यान रखना ना, विभक्ति पूछ रहा है कि कर्म संज्ञा पूछ रहा है भैया। ये क्या पूछ रहा है कि किस सूत्र से, यही तो समझना है वहाँ, किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है, ना कि कर्म संज्ञा। भाई आप यहाँ लगा ही देंगे इसको, मान लीजिए यहाँ अगर पूछता कि ग्रामम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई, तो कर्तुरेषित तमम कर्म से। और त्रिणम में पूछता किस सूत्र से, त्रिणम में यदि पूछता कि किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है उसमें, तो तथा युक्तम चानिप्सितम। लेकिन पूछा उसने कि त्रिणम में विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो कर्मठ द्वितीय से। पंडित जी एकदम क्लियर है ना, जब कर्म संज्ञा पूछेगा उसका, तब तथा युक्तम क्या हो जाएगा, यहाँ चानिप्सितम। कर्म संज्ञा यदि पूछा तो तथा युक्तम चानिप्सितम। और इसका कर्तुरेषित तमम इसमें है, ये है ना। लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए इसमें पूछ लिया है कि द्वितीय किस विभक्ति से हुई है, तो दोनों में भी द्वितीय किससे हुई है, द्वितीय विभक्ति किससे हुई है, कर्मठ द्वितीय से। ठीक है ना, एकदम क्लियर है। हाँ, अकृतन च में कितने द्विकर्मक धातु हैं, कितने द्विकर्मक धातु हैं इसमें, आगे देखिएगा। आगे पूछा है कादंबरी की कथा का मूल स्रोत क्या है, तो मान लीजिए इसका पूछ लिया, कौन सा है मंकेश भैया, बृहत कथा के रचनाकार कौन है, गुणाढ्य। किस भाषा में है बृहत कथा, पैसाची। और एक चीज और देख लीजिएगा, हो सकता हो यहाँ पूछे, पूछ भी सकता, नहीं पूछे यदि तो, जो बृहत कथा है इसमें बटा है लंबकों में, इसमें लंबक यानी लंबकों में विभाजित है। और बृहत कथा मंजरी किसकी है, क्षेमेंद्र की। ये आया हुआ था किसमें जान रहे हैं, प्रवक्ता में आया था, पीजीटी में 2021 के, ये बृहत कथा मंजरी यहाँ यूपी के पीजीटी 2021 में आया था। करत ये कथा सरित सागर किसकी है, सोमदेव की। कथा सरित सागर में शायद 24 तरंग हैं, कितने तरंग हैं ना, तरंगों में विभाजित है। और ये भी उसी में, उसी के आधार पे ये लिखे हैं क्षेमेंद्र जी, ये भी लंबक में है, या अध्यायों में भी है शायद और लंबक में भी है। वो किस में है, लंबकों में है। बुद्ध स्वामी है ना बृहत कथा लोक संग्रह का। अगला देखिए, यहाँ पूछा है सिंपल सा, कादंबरी के रचनाकार कौन है, तो मान लीजिए यहाँ दे दिया है सुकनासोपदेश पूछ लेगा तब, हो पंडित जी सुकनासोपदेश पूछ लेगा तब, वही है बाढ़ भट्ट। अरे भैया पूरा किसने किया था उसको, हाँ तो लेखक बाढ़ भट्ट हो जाएंगे कि पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट, ऐसा माना जाता है ना कि जो उत्तरार्ध भाग है सुकनासोपदेश, उसको किसने पूरा किया था,
पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट। हाँ, तो सुबंधव की रचना कौन सी है? वासवदत्ता। उसके नायक कौन है? कंदर्व केतु। ये बहुत पूछता है कंदर्व केतु वाला, कई एग्जामों में हमने देखा है कि वो पूछता है कंदर्व केतु किसका नायक है, तो उसमें दे देगा स्वप्न वासवदत्तम, रत्नावली और वासवदत्ता दस कुमार चरितम। तो ये यही दे करके पूछा हुआ है, कई एग्जाम में पूछा है। दंडी की रचना कौन कौन सी है? काव्यादर्श, दस कुमार चरितम और अंति सुंदरी, है ना। दंडिनः पद लालित्यम। ये तीनों लोग, एक और चीज़ देख लीजिए कि ये दो और तीन लोग किसके अंतर्गत इनकी रचनाएं आती हैं? गद्य त्रयी। ठीक है पंडित जी। मान लीजिए पूछ ले कि कौन से गद्य त्रयी के अंतर्गत कौन से लेखक नहीं हैं, तो दो दे देगा बाणभट्ट सुबंधु और एक यहाँ माघ डाल देगा, भार भी डाल देगा, तो कौन वही नहीं होगा। बाकी ये तीनों याद रहेगा कौन कौन से हैं, तो हो सकता पूछ सकता है भाई उसके ऊपर है वो, ऐसे करके। देखिए सरल ही गलत होता है, जब सरल किसी का गलत होता है तो वही फिर बाहर हो जाता है एग्जाम से। बाकी कठिन सबके लिए कठिन होता है, ये हमने देखा है। जो टफ क्वेश्चन होते हैं लगभग लगभग सभी के लिए होते हैं टफ। जो सरल होता है, जिसका गलत हुआ सरल, वो भैया फाइट से बाहर। भाई सरल क्वेश्चन गलत हुआ था तभी ना बाहर हो गए। भाई जो कठिन था वो सबके लिए कठिन था लगभग लगभग। अगला क्या है? बाणभट्ट को किस राजा ने आश्रय दिया था? तो किसने दिया था? हर्षवर्धन। आगे है तारापीठ किसके पिता थे? देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं कई बार कि तारापीठ के पुत्र कौन है, सुकनास के पुत्र कौन है, उनकी माता कौन है, सुकनास की पत्नी कौन है? मनोरमा। पंडित जी बाद में पढ़िएगा, जो हम पूछ रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए, यहीं सब क्लियर कर लेंगे। देखिए यहाँ दिया है ना, तारापीढ़ किसके पिता थे? किसके, कितने जन्मों की कथा है चंद्रापीढ़ के? तीन जन्मों की। मान लीजिए ये ऑप्शन में दे दे, ऑप्शन में यहाँ दिया है तीन जन्मों की, दो तीन लोगों की है मिलती है कथा, वैशंपायन की, चंद्रापीढ़ की, है ना। तो अगर इसमें से पूछता है कि इनमें से किसकी तीन जन्मों की कथा वर्णित है, तो मुख्य रूप से कौन हो जाएंगे? चंद्रापीठ। भले से ये ऑप्शन में रहेंगे ये लोग, लेकिन मुख्य रूप से वो जानना चाहता है ना। तो क्या हो जाएगा? चंद्रापीठ तारापीठ के। तो अब जब बिहार में रहेगा एक से अधिक, तो भैया एक से अधिक हो जाएगा। अगर ऐसे चार ऑप्शन में रहेगा, ये तो बीपीएससी स्टेट है ना, भैया ने कहा कि अभी इसमें चार ही ऑप्शन आता है ना, इसमें एक से अधिक हो नहीं होगा। लेकिन अगर मेन से होता है तो उसमें शायद पांच ऑप्शन रहता है, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, तीन ऑप्शन। और तो कौन सा हो जाएगा? चंद्रापीठ। तारापीठ किसके पिता थे? चंद्रापीठ के। और वैशंपायन किसका पुत्र था? शुकनास का। तारापीठ कहाँ के राजा थे? उज्जैनी के। और शूद्रक विदिशा के। अगला है अपरिणामो पशमो दारुणो लक्ष्मी मदह, यह वाक्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो सुक्ति आ गई है वहीं से। कहाँ से? सुकनासो पदेश से। यह वाक्यांश किस ग्रंथ से है? तो सुकनासो पदेश किसका पाठ है? कादंबरी का। कादंबरी क्या है? कथा है। और कथा कैसी होती है? कवि कल्पित। और हर्षचरित रचना क्या है? आख्यायिका है। और जो आख्यायिका होती है वो ऐतिहासिक होती है। यह है ना, कितने उच्छ्वास हैं इसमें? आठ। वासुदत्ता किसकी रचना है?
अभी हो गया ना सुबंधु की, दस कुमार शेटम दंडे की। दस कुमार शेटम में कितने उच्छ्वास हैं? आठ। अगला देखिएगा, अगला पूछा है कि शुकनासोपदेश में लक्ष्मी को कहा गया है, तो लक्ष्मी को क्या कहा गया है? दुष्टों पर कृपा करने वाली, चंचला तृष्णा को बढ़ाने वाली, तृष्णा विषवल्ली नाम है ना, एक सूक्ति करके आई है, तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? सभी। अगला यहाँ देखिए पूछा है कि शुकनासोपदेश में क्या वर्णित नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्या वर्णित नहीं है। जल्दबाजी में हम लोग ना, जल्दबाजी में हमने देखा है कि क्या वर्णित नहीं है और क्या वर्णित है, इसको भी देखना रहता है। यहाँ पूछा है क्या वर्णित नहीं है, तो इसमें तो है लक्ष्मी की चंचलता है, युवावस्था के दोष भी है, गुरु उपदेश की महिमा भी है, यही कहाँ है? कादंबरी में है। कादंबरी कथा में पूर्वार्ध भाग में, कादंबरी कथा में पूर्वार्ध में वर्णित है कौन सा? विंध्याटवी वर्णन। अटवी का तात्पर्य क्या होता है? जंगल, वन या जंगल। अटवी वो हमें दिया था ना विंध्याटवी, तो बिंध में, बिंध के जंगल या बिंध के वन। अगला पूछा है कि शिवराज विजय है एक क्या है? ऐतिहासिक नाटक या ऐतिहासिक कथा या आख्यायिका या ऐतिहासिक उपन्यास, तो किसमें आता है ये? ऐतिहासिक उपन्यास। तो मान लीजिए उपन्यास पूछा है क्या है, अगर नायक पूछ लेगा तो शिवाजी, कौन सा हो जाएंगे? शिवाजी। क्या है? दस परिच्छेद कौन बोला? आपसे तेज तो वही लोग हैं, वो सब बता ही देते हैं, आप तो यही ऐसे ही बोल देंगे दस परिच्छेद है। दस परिच्छेद किसमें है? दस परिच्छेद आपने नाम ले लिया है तो साहित्य दर्पण में है, किसके? विश्वनाथ के। इसमें क्या है? बारह निश्वास है, तीन विराम बारह निश्वास, एक विराम में चार निश्वास, तो चार तिया है बारह, यही ऐसे करेंगे। अरे आप टीआरई थ्री देने जा रहे हैं ना, तो आप बीपीएससी स्टेट का गलत कर दे रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं टीआरई थ्री का, तो ध्यान से रहिए पंडित जी। शिवराज विजय के रचनाकार कौन है, कौन सा दिया है? श्री अंबिका दत्त व्यास। इनकी टोटल रचनाएं कितनी मानी जाती है? 78। संस्कृत का शायद 27 माना जाता है कि संस्कृत से संबंधित कितनी रचनाएं हैं, तो 27। उसमें से सबसे फेमस कौन सा है? सामतम नाटक, विजयम कह रहे हैं, देखिए सामतम नाटक है। ध्यान से बैठा करिए पंडित जी। शिवराज विजय के रचनाकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास। इनके क्या है? कथा और कादंबरी कथा और आख्यायिका कौन सी है? हर्षचरित। श्रीहर्ष का नैषद नैधे चरितम है। कैसा है वो? उसका अंत किससे होता है? आनंद पदांक। आनंद पदांग कौन सा ग्रंथ है? नैषधीय चरितम, लक्ष्म्यंत किरातार्जुनीयम और श्रेयंत शिशुपाल वधम, है ना?
आ गया। ये कौन सा था? 42 वाला ना। तिरालीस नंबर पे देखिएगा कौन सा है। 43 पे पूछा है, श्री अंबिका दत्त व्यास का जन्म किस राज्य में हुआ था? कहाँ हुआ था? राजस्थान में। कहाँ? जयपुर। और इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? काशी में। अध्यापक कहाँ थे? बिहार में। कहाँ? पटना में। कौन सा कॉलेज है? पूछा है ना, श्री अंबिका दत्त व्यास का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान में। शिवराज विजय में किस रस की प्रधानता है? किसके? वीर रस के। ये कहाँ है? रामायण में कह रहे हैं। कहाँ? आज पंडित जी खोए खोए बैठे हैं भैया, ध्यान से बैठिए। महाभारत में है ना शांत रस? और कहाँ है? बुद्ध चरितम में। बुद्ध चरितम में और महाभारत में। ठीक है, कुंदमाला में करोड़ रस है। कौन सा है पंडित जी? बात वो हम जब पूछ रहे हैं तो नहीं बता रहे हैं, और जब यहाँ आ रहा है ऑप्शन तो आप बता दे रहे हैं गलत। यही ना, यही है कंसंट्रेशन भंग होने का। एक दूसरे से बात कर रहे हैं आप, है ना? जब बात कर रहे हैं, जब हम पूछेंगे तो आधे सुने नहीं आप, आधे जब सुने नहीं ध्यान से। सुनते रहिए, सुनते रहेंगे ना तो ठीक रहेगा, याद भी हो जाएगा आपको। यहाँ तो शांत रस कहाँ है? महाभारत में। इसमें शिवराज विजय में कौन सा है? बेर रस। और करुण कहाँ है? उत्तर राम चैतम में। और त्रिपुद्रा वगैरह में है शायद, इसमें रौद्र रस। हाँ कुंदमाला वाला देख लीजिएगा, वो भी काफी चर्चित है ना? लिख लीजिए भैया। शिवराज विजय का नायक कौन है? देखिए चर्चा हो ही रही थी, नायकों की पूछ ले। देखिए इसी में पूछ लिया है, हम कह रहे थे कि अगली बार हो सकता पूछ ले, यहीं दिया हुआ है। तो कौन से हो जाएंगे? शिवाजी। बाकी लोग इसी के पात्र हैं, रघुवीर सिंह, गौर सिंह, योगीराज, ब्रह्मचारी गुरु, श्याम सिंह, अफजल खान, माल्यश्री, सौवर्णी इत्यादि किसके पात्र हैं? शिवराज विजय। जयचंद, जयचंद भी, पृथ्वीराज, सब किसके हैं? शिवराज विजय के पात्र हैं। जयचंद्र कहाँ के निवासी थे? कहाँ के राजा थे पंडित जी? कन्नौज। जयचंद कन्नौज का आया था क्वेश्चन ना, तो नहीं कहाँ है, कन्फ्यूज हो रहे हैं। कन्नौज के थे ना? अरे कान्यकुब्ज किसको? उसी को बोलते हैं कन्नौज को ना पंडित जी? कान्यकुब्ज हम तो यही जानते हैं, कन्नौज के ही बोलते हैं। आगे देखिए दिया है कि शिवराज विजय का प्रारंभ किस दृश्य से होता है? तो शुरू होता है वर्णन से। ये संध्या वर्णन कहाँ है? कोई नहीं बताएगा। सुप्रिया बहन जी आप बताइए, संध्या वर्णन कहाँ है? मंकेश भैया, सुदक्षिणा की और धेनु की वहाँ तुलना जब किया जा रहा था, धेनु की गौधूल जब हो रही थी वहाँ, तो संध्या वर्णन कहाँ है? रघुवंश में द्वितीय सर्ग में। और पर्वत वर्णन कहाँ है? खास करके कुमार संभव में। मेघदूत में तो है लेकिन मेन कहाँ है? कुमार संभव में। और भारत दुर्दशा वर्णन इसी में है। भारत दुर्दशा जब पूछते हैं योगी राज जी ब्रह्मचारी गुरु से कि इस समय क्या स्थिति है ना, तो पूछते ना कि इस समय भारत की क्या स्थिति है, तो ब्रह्मचारी गुरु बताते हैं ना कि इस समय भारत की बहुत दुर्दशा है। तो
इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा कि शिवराज विजय का प्रारंभ किस दृश्य से होता है? तो सूर्योदय वर्णन से। आगे क्या पूछा था? अभिज्ञान शाकुंतला नाटक के रचनाकार कौन है? कौन हो जाएंगे? कालिदास। बाकी भारवी का एक ही महाकाव्य है किरातार्जुनी, इनका भी एक ही महाकाव्य है शिशुपाल वधम। और भास के कितने नाटक हैं भैया? 13 नाटक। महाभारत आधारित कितने हैं? 7। रामायण आधारित 2। उदयन मूलक 2। कवि कल्पित 2। कितने हो गए? 13। आगे देखिए, यहाँ पूछा है कि संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है? कौन सा है श्रेष्ठ? तो ये भी है, उत्तर रामचरितम भी है, ये भी है, सब उन्हीं का। लेकिन इसको बताया जाता है ना कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है नाटकों में रम्यतापूर्ण नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम को ही कहा जाता है कि रम्यतापूर्ण नाटक कौन सा है? अभिज्ञात नहीं, रम्यतापूर्ण नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है ना, नाटकों में भी कौन सा चतुर्थ अंक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का, वही बहुत प्रचलित है। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्नि मित्रम किसकी है? कालिदास की। विक्रमोर्वशीयम कालिदास। तीनों है ना। ये त्रोटक कौन सा है? ये क्या है? त्रोटक है। इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें 7, इसमें 7। तो ये किसकी है? भवभूति की। इसका कौन सा अंक चर्चित है? 3। किस नाम से जानते हैं? छाया अंक। मान लीजिए पूछ ले ये अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक किस नाम से है? विदाई। और उत्तर रामचरितम का छाया अंक कौन सा? तृतीय अंक, छाया अंक। और नाटकों में भी नाटक है उसमें उत्तर रामचरितम में 7वें अंक में, गर्भांक नामक अंक में। तो नाटकों में भी नाटक किस में खेला गया है? लौकुश द्वारा खेला गया है ना उसमें, ये सब लोग बताते हैं सभी पात्रों के द्वारा अंत में। तो आगे क्या पूछा है? अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा है? एक छूट गया क्या? हाँ, यहाँ पूछा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम कितने अंकों में निबद्ध है? कितने अंक हैं? 7। याद है? आश्रम प्रवेश पहला, आश्रम निवेश दूसरा, मिलन 3रा, विदाई 4था, प्रत्याख्यान 5वां, पश्चाताप 6वां, पुनर्मिलन 7वां। छठवां पश्चाताप कहाँ सुन रहे हैं? ध्यान नहीं, ध्यान से सुनिए ना। मेन चीज क्या है? सुनना है ना। आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, मिलन, विदाई, प्रत्याख्यान, पश्चाताप और पुनर्मिलन। गिन लीजिए आप उंगली से, बोल दीजिए। 5 सुन नहीं पाए आप। अगला देखिए, दिया है अभिज्ञान शाकुंतलम का, अभिज्ञान शाकुंतल का कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? देखिए हम बता ही रहे हैं, पीछे यहाँ आया हुआ है, हम जबकि पेपर देखे नहीं हैं अभी, तो हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि भैया आ सकता है ऐसा, वो आ ही गया इसी में, तो इसी तरह से पूछ सकता है उसमें। हो सकता है इस बार पूछ ले कि नहीं नहीं, इसमें दिया है ना कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ये हो सकता है इसी में पूछ ले कि इसमें कितने श्लोक हैं भाई, चतुर्थ सबसे फेमस है तो कितने श्लोक हैं इसमें, हो सकता है भाई पूछ ले। चतुर्थ अंक है, छोटा सा है, तो हो सकता है पूछे हो कि श्लोक कितने हैं। मार्षिकंड कितने बोले हैं? 14 श्लोक। कौन बोले हैं? महर्षिकंड। और जो अभिज्ञान शाकुंतल में 4 श्लोक बताते हैं ना सबसे महत्वपूर्ण है, श्लोक चतुष्टय,
तो किसके द्वारा कहा गया है? वो भी कौन बोले हैं? कण बोले हैं। कौन कौन सा है उसमें? 6, 9 और शायद 17, 18। 6, 9, 17, 18 जो महत्वपूर्ण है श्लोक चतुष्टय, वो कौन कौन सा है? 6, 9 और 17, 18। ये कौन सा था? ये प्रश्न संख्या है ना। अब इसके आगे देखिए, हम लोग जो है ये था प्रीवियस ईयर 11/9/2023 बीपीएससी टेट कक्षा 9 से 10 का। तो हम लोगों ने देखा कि 1 से 50 तक के प्रश्नों में क्या पूछा है, तो इसी के आधार पे फिर उसमें आएगा, सरल ही रहता है। अभी तक तो सरल ही सारे क्वेश्चन दिखे हैं, तो इसके आगे का जो 51 से 100 तक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।